यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। खबर सोनीपत से, जहां पर सफाई अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। सीएम के मीडिया सलाहकार राजीव जैन जिला प्रशासन और विभिन्न संगठनों को साथ लेकर मौके निकले और साथ ही जैसे ही इसकी भनक सफाई कर्मचारियों को लगी तो कर्मचारी नारेबाजी करते हुए निकल पड़े। सफाई कर्मचारियों ने बस स्टैंड पर सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की तो वहीं राजीव जैन ने कहा कि आज जनता खुद अपना कूड़ा साफ करने में लगी हुई है और ये सफाई अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक पूरा शहर साफ नहीं हो जाता है। उन्होंने कहा कि आज विपक्षी दल सफाई कर्मचारियों को समर्थन देने में लगे हैं, ये एक ओछी राजनीति है। राजीव जैन ने सफाई कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि जैसे ही न्यायपालिका का फैसला आएगा उसे उसी वक्त लागू कर दिया जाएगा, उन्हें जल्द से जल्द अपने कार्य पर लौट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं को कूड़ा साफ करने के लिए सामने आना चाहिए, न कि धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों को समर्थन देना चाहिए। सकते हैं किस तरह से जनता जो है अपने आप सड़कों पर उतर कर जो है सफाई करने में जुट गई है और अब वो जनता ये कह रही है कि हमें जो है सफाई कर्मी सफाई करे ना करे, लेकिन हम अपने शहर की अपने घरों की सफाई जो है खुद करेंगे और सफाई कर्मियों को भी अपनी जिद छोड़ के काम पर आ जाना चाहिए क्योंकि पूरे शहर के नागरिकों के स्वास्थ्य का सवाल। सफाई अभियान लगातार जारी रहेगा जब तक जो है सफाई कर्मी हड़ताल नहीं खत्म करेंगे। सरकार जो है इनकी सारी मांगे मान ली हैं और सरकार केवल इनको पक्का करने का मामला जो है हाई कोर्ट में लटका हुआ है, वो सरकार कर नहीं सकती है, इसलिए कर्मचारियों को अपनी चीज छोड़ देनी चाहिए।